अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेसमी कोफ्ते बनाएंगे, यानी कि तिलों वाले कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए हमने कीमा लिया है बकरे का 1 किलो, प्याज बारीक चॉप की हुई लेंगे 2 अदद, हरी प्याज लेंगे 1/2 कप, टमाटर चॉप किए हुए लेंगे 3, दही लेंगे 1 कप, कुकिंग ऑयल लेंगे 1/2 कप, अंडा लेंगे 1, लहसुन और अदरक की पेस्ट लेंगे 2 टीस्पून, सेसमी सीड लेंगे 4 टेबलस्पून, रोस्टेड चने का पाउडर लेंगे 3 टेबलस्पून, गार्निश के लिए हरा धनिया लेंगे कटा हुआ और बादाम के स्लाइसेस लेंगे 1 टेबलस्पून। मसालों में हमें चाहिए नमक 2 टीस्पून या 2 टेस्ट, रेड चिली पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, करी पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे 3 टेबलस्पून, लौंग लेंगे 4, गरम मसाले का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। अब हमने एक चॉपर ले लेना है, चॉपर के अंदर हमने कीमे को डाल देना है। कीमा हमने बकरे का 1 किलो लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके एक छाननी में रखना है ताकि कीमे के अंदर पानी ना हो। अब हमने इसमें 1 अदद अंडा डाल देना है, हरी प्याज डाल देंगे 1/2 कप, लहसुन और अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, आधी हमने बचा लेनी है ग्रेवी के लिए, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप इसमें चाइनीज नमक भी डाल सकते हैं, जो लोग नहीं खाते वो ना डालें। सेसमी सीड डालेंगे, यानी कि तिल डालेंगे 4 टेबलस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, आधा हमने बचा लेना है, सोया सॉस डालेंगे 3 टेबलस्पून, ये हमने रोस्टेड चने का पाउडर डालना है 3 टेबलस्पून, या आपको जितनी जरूरत हो आप उतना ही डाल सकते हैं। अब हमने कीमे को अच्छी तरह से चॉपर में बारीक पीस लेना है। कीमे को हमने चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हमने हाथों पर हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगाकर इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं अखरोट के साइज के, बहुत बड़े हमने नहीं बनाने। इस तरह से गोल बनाकर हमने एक प्लेट में रखते जाना है। सारे बॉल्स हमने इसी तरह रेडी कर लेने हैं। सारे कोफ्ते हमने रेडी करके रख लेने हैं। अब हमने एक पैन को गर्म कर लेना है, आपको हमने मीडियम टू लो रखना है। थोड़ा सा हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। अब हमने इसमें कोफ्ते डालते जाना है। कोफ्तों को हमने हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। इसके ऊपर हमने ढकना लगा देना है ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए कोफ्तों का। इसको हमने चमचा नहीं मारना, बस इस तरह से उठाकर हमने हिला देना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने कोफ्तों को हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेना है सारी साइडों से। कोफ्तों को हमने 1 से 2 मिनट तक ढक
इतना देर तक पकाना है। फिर हमने इसको इस तरह से हिलाना है ताकि कोफ्ते जो है सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कोफ्तों को डालकर हमने इस तरह से इसको थोड़ी देर तक हिलाना है, 2 से 3 मिनट तक सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लें जब तक कोफ्तों का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। तब तक कोफ्तों को हमने हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। सारे कोफ्तों को हमने हल्का हल्का सारी साइडों से फ्राई कर लिया है। अब हमने एक वॉक को गर्म करना है, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है, बाकी का बचा हुआ जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो भी अंदर डाल देंगे। अब हमने इसमें लौंग डाल देने हैं 4। लौंग को हमने 1 मिनट तक पकाना है, थोड़ी देर हल्का सा गर्म करना है। अब साथ ही हमने प्याज डाल देने हैं, प्याज को हमने बहुत बारीक चॉप करना है। अब हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, आपको हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रखना है, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हमने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देनी है। 1 मिनट तक हमने लहसुन और अदरक को पकाना है ताकि अच्छी तरह से लहसुन और अदरक की खुशबू आ जाए। लहसुन अदरक को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर हमने 3 लिए हैं, बिल्कुल छोटे टमाटर हैं, अगर मीडियम साइज के हो तो आप 2 ले लें। टमाटर का छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। अब हमने इसमें नमक डाल देना है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। अब ज़्यादा खाते हैं तो 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। करी पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। करी पाउडर हमने MDH का लिया है, करी पाउडर शान के मसालों में भी मिलता है। अब हमने मसाले डालकर 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से टमाटरों को हमने भून लेना है ताकि टमाटर गल जाए। तब तक मसाले को हमने भून लेना है। टमाटर अब बिल्कुल गल चुके हैं, 4 से 5 मिनट तक हमने टमाटरों को पका लिया है। अब हमने इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। साथ ही हमने दही डाल देना है 1 कप। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब कोफ्तों को हमने 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है। अभी ये बहुत नरम है, अभी हमने ज्यादा चमचा इसमें नहीं मारना, बस इसी तरह से हमने इसको 4 से 5 मिनट तक कोफ्तों को पकने देना है। बिल्कुल हल्के हल्के मिक्स करेंगे। दही डालकर 4 से 5 मिनट तक हमने कोफ्तों को पका लिया है। अब दही का पानी थोड़ा खुश्क होने लगा है, कुकिंग ऑयल भी देखिए अलहदा हो गया है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी हमने इसमें 2 गिलास डालने हैं, या आपकी मर्जी, अपनी जितनी भी ग्रेवी रखनी हो उतना ही पानी डाल दें। पानी डालकर हल्का सा मिक्स कर देंगे। अभी हम वेट करेंगे पानी में उबाला आ जाए। शोरबे में उबाला पाने लग गया है। अब आग को हमने मीडियम करके इस पर हमने ढकना लगाकर
25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक पकाना है, या जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उतनी ही देर तक आप पका लें। शोरबे को हमने 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक पकाया है। अब हमने इसमें गरम मसाला डाल देना है, आधा टीस्पून। हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। हरा धनिया डालकर हमने इस पर ढकना लगा देना है 3 से 4 मिनट तक। फिर हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। गरम मसाला और हरा धनिया डालकर 3-4 मिनट तक हमने पका लिया है। अब आग को हमने बंद कर देना है। अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें। अब हमने इसको प्लेट में सर्व करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इसमें दही आधा कप डालना है, वो गलती से मैंने 1 कप बता दिया। दही आधा कप डालेंगे। ये कोफ्ते आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार हैं। ये आप रोटी के साथ खाइए या आप नान के साथ खाइए, ये आपकी मर्जी है। बहुत मज़ेदार हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। इस तरह से कोफ्तों को हमने एक प्लेट में सर्व करना है। अब हमारे बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सेसमी कोफ्ता करी तैयार है। इनको आप नान के साथ खाएं या रोटी के साथ। ऊपर से आप बादाम के स्लाइसेस और हरा धनिया डाल दें गार्निश के लिए। ये कोफ्ते आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार हैं। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।